नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोझ। यहां पर जहां मुनव्वर फारूकी अपना काला जादू कर रहा है, अब वहीं पर अंजलि ने भी अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। पर दोस्तों गौर फरमाइएगा, ये काला नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ, अंजलि अरोरा और अंजलि अरोरा का सबसे बड़ा अचीवमेंट, अंजलि अरोरा को हमने पास्ट में लॉकअप में देखा था। अंजलि की रील्स बहुत ज़्यादा हिट जाती थी और कच्चा बादाम तो बहुत ज़्यादा हिट गई थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अंजलि का फेम एक अलग हो गया था। अब यहाँ पर अंजलि की अगर बात करें तो अंजलि ने रिसेंटली सारेगामा पा एक सारेगामा पा ओरिजिनल्स जो म्यूज़िक है, कंपनी है, लेबल है, उसके तहत एक बहुत बड़ी म्यूज़िक वीडियो में काम किया है। जी हाँ, अंजलि अरोरा ने अपने स्टेटस में इस बात की जानकारी दी है हमें, और साथ ही साथ अंजलि अरोरा काफ़ी ज़्यादा खुश है। कहती हैं कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इस तरीके से काम करने का मौका मिला। दोस्तों जहाँ तक कि अंजलि की बात की जाए तो हमें पता है कि अंजलि अरोरा म्यूज़िक वीडियो में जिसमें भी जाती है वो दनादन हिट हो जाती है। पास्ट की अंजलि बिल्लो पगल बिल्लो बिल्ल वाला कितना ज़्यादा हिट गई थी अगर आपको याद होगा तो। प्लस अंजलि जिसमें रील बनाती है, फॉर एन एग्जाम्पल कच्चा बादाम, वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है, या फिर मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, वो भी हिट हो जाता है। तो यहाँ पर अंजलि अरोरा की जहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अंजलि का एक अपना अलग स्वैग है और अंजलि अरोरा जो है लोगों के दिलों पर राज कर रही है। भाई गॉड, ऐसे में अंजलि अरोरा का नया गाना सारेगामा के पास के बैनर तले आना, ये सचमुच में एक अमेजिंग बात है। लॉकअप के बाद अंजलि का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया है जहाँ तक हमें दोस्तों हमने देखा। अंजलि अरोरा जो है वो कर तो रही हैं शूटिंग, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। बट अब ऐसा लग रहा है कि अब बारी है अंजलि की अपना जादू करने की, काला नहीं लेकिन जादू। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे ज़रूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।